हे हेलो एवरीवन दोस्तों कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताए कि सी बी क्लास टेंथ का जो एग्जाम है फिर चाहे वो कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट वाले को हो इम्प्रूवमेंट को हो सभी के जो एग्जाम है वो पच्चीस अगस्त से शुरू हो रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस के पेपर के बारे में जो साइंस का दोस्तों पेपर होने वाला है तो हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस एग्ज़ाम के लिए क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों और कम समय में अच्छी तैयारी तभी की जा सकती है जब हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता हो और हमें क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम सारे चैप्टर पढ़ने लग जाएंगे तो टाइम तो ऐसे ही खराब हो जाएगा तो समय कम है और समय का हमें सदुपयोग करना है तो चलिए दोस्तों इस कम समय में अच्छी तैयारी करते हैं और अपने आप को अच्छे नंबर से इस परीक्षा में उत्तीर्ण करवाते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि चैप्टर वन जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहते हैं वो पूरा पूरा आ रहा है ठीक है मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ आप इसी स्क्रीन भी ले सकते हैं तो जो चैप्टर वन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो आ रहा है जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर नंबर टू एसिड बेस एंड सोल्टस भी आ रहा है यानी अमल छारे को लबड़ आ रहा है ठीक है चैप्टर नंबर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोस्तों मेटल्स और नॉन मेटल्स में दोस्तों अगर हम बात करें तो केवल थ्री पॉइंट फोर आ रहा है ठीक है थ्री पॉइंट फोर आ रहा है तो ये है आपको करना है बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आ रहे हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कार्बन एवं उसके यौगिक है जो चैप्टर फोर है कार्बनस एंड इट्स कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो है फोर पॉइंट वन एंड फोर पॉइंट टू केवल आ रहा है बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये आप अपने पुस्तक में मेंशन कर लीजिए ताकि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें इसको लेकर दोस्तों तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम है इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो चैप्टर नंबर फाइव जो है वो तत्वों का आवर सारणी पूरा पूरा आ रहा है दोस्तों आवर्गीकरण आ रहा है यहाँ से हालांकि इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी आपको मैं आ, आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि हमें क्या करना है इस तरह देखें दोस्तों चैप्टर नंबर सिक्स लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम वो पूरा पूरा रहा है इसमें कोई भी जैसे काट छाट नहीं की गई है चैप्टर नंबर सेवन दोस्तों पूरी तरीके से काट दिया गया चैप्टर नंबर जो सात वो नहीं पढ़ना है आपको बिल्कुल भी इस पर निगाह भी नहीं डालनी है इस तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर एट जीव जनन कैसे करते हैं ठीक है तो ये चैप्टर नंबर एट भी आ रहा है दोस्तों पूरा पूरा इसके अलावा दोस्तों चैप्टर नंबर नाइन यानी अनुमांसिकता एवं जैव विकास इसमें दोस्तों केवल हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेंस पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर टेन प्रकाश की लाइट के प्रावर्तन था अप्रवर्तन पूरा पूरा आ रहा है दोस्तों ठीक है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे वीडियो आपको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है इस तरह अगर हम क्लास चैप्टर नंबर एलेवेंथ की बात करें तो चैप्टर नंबर ग्यारह जो है वो पूरा पूरा आ रहा है ठीक है चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो है इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा आ रहा है इसमें किसी पर कोई काट छाट नहीं की गई है इसी की तरह दोस्तों चैप्टर नंबर फोर्टीन यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत ये चैप्टर जो है पूरी तरह से काट दिया गया है ठीक है ये नहीं आ रहा है पेपर में इसके अलावा दोस्तों हमारा जो पर्यावरण जो आवर इन्वायरमेंट इसमें भी कुछ टॉपिक जो सिर्फ कुछ टॉपिक और जो आगे आपको बताऊँगा मैं और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये पूरी तरह से काट दिया गया है तो ये आपको बुक्स में निशान लगा लेना है एन में ठीक है ये चैप्टर आपको करने हैं और ये चैप्टर आपको छोड़ देने हैं तो चलिए दोस्तों देख लो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें करने हैं चैप्टर नंबर वन की बात करें दोस्तों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट दोनों टॉपिक है आपको निशान लगा लेना है अपने एन बुक में तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये आपको आप निशान लगा लेना है इसके अलावा दूसरा ये है इस दोस्तों चैप्टर नंबर टू से यह आप स्क्रीन ले सकते हैं ठीक इसी प्रकार से दोस्त तो चैप्टर नंबर थर्ड मेटर नॉन मेटल्स में क्या पढ़ना है वो ये चार चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो इसे स्क्रीन लेकर आप देख सकते हैं और अपने बुक में निशान लगा सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो इसी तरह दोस्तों चैप्टर नंबर सिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पाँच टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये आपको क्लियर कर लेना है ठीक है देन अगर हम चैप्टर नंबर एट की बात करें दोस्तों तो चैप्टर नंबर एट के ये सिक्स सिक्स टॉपिक आपको कर लेने हैं ठीक है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसके अलावा चैप्टर नंबर नाइन की बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर नाइन तीन जो टॉपिक है वो आपको देखने हैं ठीक है ठीके? तो ये तीन टॉपिक आपको चैप्टर नंबर नाइन से कर लेने हैं चैप्टर नंबर दस से दोस्तों ये भी छह टॉपिक हैं ये आपको कर लेने हैं और चैप्टर नंबर इलेवन दोस्तों अगर बात करें तो ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ से भी छह टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये आपको करना है इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनने वाले हैं ठीक है तो ये हो गया दोस्तों इसके अलावा चैप्टर नंबर ट्वेल्थ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से भी फोर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है ये करना है आपको ठीक है चैप्टर नंबर फिफ्टीन आवर इन्वॉर्मेंट की अगर हम बात करें हमारा पर्यावरण से दोस्तों तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको कर लेने हैं ठीक तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों और अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें दोस्तों तो वो सी जो है क्लास टेंथ का जो सैम्पल पेपर दोस्तों सी बी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साइंस की हम बात करें दोस्तों तो एक नंबर जैसे अगर हम एम की बात करें दोस्तों तो इस पेपर में आपके जो ट्वेंटी एम आएंगे साइंस वाले पेपर में सैम्पल पेपर ठीक ट्वेंटी एम दे रखा है तो ट्वेंटी एम आने वाले हैं ठीक है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है दिल्ली सरकार की जो हेल्प बुक है उसको भी डाल दिया आप इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी में भी है दोनों में है आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं वो बहुत ही उपयोगी पुस्तक दोस्तों वो आपको काफ़ी सहायता देगी कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उस बुक जो हेल्प बुक है उसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं जो सपोर्ट मटेरियल दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाता है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन है इसके अलावा दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैंने उसको पी डी एफ को वहाँ पर डाला वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम पर हमें फॉलो करने के दोस्तों आपको सिंपली द पोलिटिकल मास्टर को क्लिक करना है और हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये है दोस्तों अभी तक की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जय हिंद